देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही समय का वक्त बचा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा इस चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान दक्षिण में दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी वाईएसआर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस ने जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश की कमान सौंप दी है। वाईएसआर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में लगभग 50% वोट मिले थे और वहीं विधानसभा चुनाव में भी लगभग आंकड़ा यही था। वहीं अब ऐसे में वाईएसआर को इस आंकड़े को दोहराना काफी मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार वाईएसआर कांग्रेस को अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी पहले के मुकाबले आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर काफी मजबूत हुई है। साथ ही कांग्रेस ने भी जब से अपनी कमान शर्मिला को दी है, तब से कांग्रेस और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कुछ सीटों पर पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल टीडीपी है। टीडीपी को 2014 में लोकसभा चुनाव में 40%, जबकि विधानसभा चुनाव में 39% वोट मिले थे। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीडीपी 15 सीटों से गिरकर 3 सीटों पर आ गई थी। वहीं इस बार विधानसभा में 102 से घटकर 23 पर आ गई थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 25 लोकसभा तथा 174 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी। कांग्रेस को वहां वोट भी महज 1% ही मिल सका था। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो उसे भी पहले की अपेक्षा काफी नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा ने जहां 2014 में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 4 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में उसे कोई सीट नहीं मिली थी। 2014 में बीजेपी को करीब 7% वोट मिले थे। वहीं 2019 में उत्तरी राज्यों में भाजपा की लहर के बावजूद आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को 1% से कम ही वोट मिले थे और वो कोई सीट भी नहीं जीत पाई थी। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि वाईएसआर कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहरा सकती है या फिर बीजेपी और कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।